से भरे हरे भरे जंगल में टिल्ली नाम का एक चंचल और जिज्ञासु बाघ रहता था। टिल्ली के पास नारंगी और काली धारियों वाला एक सुंदर कोट था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह पूरे जंगल में अपनी ऊर्जा, शरारत और रोमांच के प्यार के लिए जानी जाती थी। टिल्ली के दिन मौज मस्ती और अन्वेषण से भरे थे। वह तितलियों का पीछा करती थी, गिरे हुए पत्तों पर झपटती थी और अपने पशु मित्रों के साथ लुका छिपी खेलती थी। टिल्ली का सबसे अच्छा दोस्त मिलो नाम का एक शरारती बंदर था जो हमेशा उसके साथ भागने के लिए तैयार रहता था। एक धूप भरी सुबह टिल्ली और मिलो की नजर जंगल में छिपे एक पुराने खजाने के नक्शे पर पड़ी। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह उन्हें एक छिपे हुए खजाने तक ले जा सकता है जिसके बारे में अफवाह है कि इसकी रक्षा बुद्धिमान और प्राचीन हाथी ऋषि करते हैं। खजाना खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित टिल्ली और मिलो एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। वे बेलों से झूलते थे, गरजती हुई नदियों को पार करते थे और गिरी हुई लकड़ियों पर छलांग लगाते थे। रास्ते में उनका सामना विभिन्न जानवरों से हुआ जिन्होंने उन्हें मदद और सलाह दी। सबसे पहले उनकी मुलाकात रूबी नामक एक बुद्धिमान बूढ़े तोते से हुई जिसने उन्हें हवा की फुसफुसाहट सुनना और लहराते पेड़ों के रास्ते पर चलना सिखाया। फिर उनका सामना एक मिलनसार कछुए बेने से हुआ जिसने उन्हें जंगल के भूल भुलैया जैसे रास्तों से कैसे गुजरना है दिखाया। जैसे ही टिल्ली और मिलो जंगल में गहराई तक गए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बाधाओं पर काबू पाना पड़ा। उन्होंने शरारती बंदरों के एक समूह को मात दी, डगमगाते हुए गिरे हुए पेड़ों पर संतुलन बनाया और छिपे हुए सुराग ढूंढे जो उन्हें खजाने के करीब लाए। अंत में एक रोमांचक और साहसिक यात्रा के बाद टिल्ली और मिलो राजसी झरने पर पहुंचे जहां हाथी ऋषि रहते थे। बुद्धिमान ऋषि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और छिपे हुए खजाने की खोज की उनकी कहानी सुनी। हाथी ऋषि दयालुता से मुस्कुराए और समझाया कि सच्चा खजाना भौतिक धन में नहीं बल्कि दोस्ती, खुशी और जंगल के चमत्कारों की सुंदरता में है। उन्होंने टिल्ली और मिलो को याद दिलाया कि उनकी यात्रा पहले ही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना लेकर आई है, वह बंधन जो उन्होंने साझा किया था और जो यादें उन्होंने बनाई थी। ऋषि की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर टिल्ली और मिलो को एहसास हुआ कि असली खजाना वह प्यार और रोमांच है जो उन्होंने अपने चंचल जंगल जीवन में हर दिन अनुभव किया था। उन्होंने हाथी ऋषि को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विदाई दी। अपने जंगल वाले घर में लौटकर टिल्ली और मिलो ने अपने चंचल स्वभाव को और भी अधिक अपना लिया। वे खोजबीन करते रहे, हंसते रहे और अपनी दोस्ती को संजोते रहे, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा खजाना हमेशा उनके पास था और इसलिए